माँ आपकी तबीयत कैसी है अभी? दवाइयाँ ले रही हैं? हाँ बेटा, थैंक यू। बेटा के मितुल, इतनी जल्दी क्या है? ट्रेन पकड़नी है क्या? आराम से खाओ। ना ना बोदी, वो क्या है ना, मुझे माँ काली के मंदिर जाना है। हमारे घर पे जो भी बला थी ना, लगता है कि टल गई है। देखो ना, हमारा नील भी कितना रिलैक्स्ड रहता है ना। जब उसको इस हालत में देखती थी ना, तो मेरा तो मन ही बहुत दुखी हो जाता था। लगता था किसी की नजर लग गई है। इसीलिए तो जा रही हूँ ना बोदी। हैं, किसने कहा आपको पूजा अर्चना से कुछ होता है? ये दिन भर हाथ जोड़ के प्रार्थना करने से कुछ होता है? सच कहूं, ये पूजा अर्चना आस्था करने से कुछ खास नहीं होता है। आदमी की जिंदगी तभी संवर सकती है अगर ये पूजा अर्चना आस्था उसकी अच्छी धर्म पत्नी बनके उसकी जिंदगी में आए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये पूजा अर्चना आस्था की टॉइंग हो गई ना, तो अच्छे खासे आदमी की वाट लग जाती है ना नी? अब मुझे और आनिया को ही देख लो, कितने खुश हैं हम लोग एक दूसरे के साथ। क्या कमाल का तालमेल है हमारा। मतलब ये बोलती है मैं पहले सोच लेता हूँ, मैं कुछ सोच रहा होता हूँ ये बोल देती है। इस लेवल का इक्वेशन है, इस लेवल का कनेक्शन है, ये तो ऊपर वाला ही करता है ना बेबी? हाँ या लगाऊं मक्खन ब्रेड पे बेबी? हाँ हाँ, वैसे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सिद्धार्थ। अब रागिनी को ही देख लो, कितनी परेशान थी बेचारी, लेकिन अब एक सही जीवन साथी मिल जाने के बाद सब कुछ कितना बदल सका है ना रागिनी? हैप्पी फॉर यू बोथ, कंग्रेचुलेशंस। यार अनफॉर्चुनेटली मुझे निकलना पड़ेगा। हैं वो एक्चुअली क्या है कि मर्जर तो होना नहीं है, तो मर्जर ना होने के पेपर्स बनवाने पड़ेंगे, बहुत काम बाकी है। चलता हूँ, रास्ते में कहीं कुछ खा लूंगा। लेकिन ब्रेकफास्ट? ये अन्न का दाना जिसमें मेरा हक था बेबी, अब तुम चबाओ, मैं चलता हूँ। अब गुड डे एवरीबॉडी, सी यू मदर मम्मी। आई एम रियली सॉरी, कल हो नहीं पाया, लेकिन आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट वीक तक पक्का मैं पेपर साइन करवा लूंगी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ एक कंपनी का ओनरशिप मैं दिलवा के रहूंगी। बस एक टू टाइम चाहिए, थोड़ा सा टाइम मिल जाता तो। मैडम ऑलरेडी वेट कर चुकी हैं काफी, हम जल्दी में, बाकी आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों से हो सकता है तो एक हफ्ता है आप लोगों के पास, अगर नेक्स्ट वीक तक हमारा काम नहीं हुआ तो शायद हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा। हैं? नाना। और हाँ, जब तक हमारा काम नहीं होता कोई कमीशन नहीं मिलेगा। Excuse me, can you clear this? Thank you. डील की कंडीशन है कि दोनों कंपनियों का मर्जर ना हो, राइट? उसकी एक मेंटल कंडीशन है। नील को बाइपोलर डिसऑर्डर है। प्लीज वन वीक। ऐसा भी किससे मिलना है मामी जी को जो सबसे झूठ बोलकर आना पड़ा इन्हें? मामी जी
मैं भी आपसे कम जासूस नहीं हूँ, पता तो मैं कर ही रहूंगा। I'm so sorry. ये देखिए मैडम, हवा में ना निकलना पड़ेगा। सॉरी हाँ, चलो चलो। I'm so sorry. कमाल है, ये लोग तो एकदम से गायब हो गए। कुछ गड़बड़ जरूर है, पता करना पड़ेगा। Somebody please help me. Listen to me. जो मैं कहता हूँ ना वैसे करो, चलो मेरे से। आने उठो, छोड़ो मुझे। आने उठो। आनिया, तुमने बताया नहीं मुझे कि आरव ठीक हो गया। कब आया अस्पताल से बाहर? आई डोंट नो अ थिंग। और ये क्या है ये अबॉर्शन का सारा चक्कर? जहां तक मुझे याद है तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ये अचानक इतनी क्या लड़ाई हो गई तुम लोगों के बीच में कि तुम लोगों को अबॉर्शन तक सोचना पड़ गया? सब वो जब से आरव का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है, आई डोंट नो, वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है, बहुत ज्यादा रूड हो चुका है। जब भी मेरे बच्चे की बात होती है तो वो इसी तरह रिएक्ट करता है, और आज तो उसने हद ही कर दी। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आ रहा है आन्या, कि जब आरव तुम्हें इतना परेशान कर रहा है, तुम्हारे बच्चे तक को मारना चाहता है, इतनी तकलीफ है तुम्हारी जिंदगी में, तुमने एक बार भी मुझसे बात करना जरूरी नहीं समझा? मुझसे बात करनी चाहिए थी तुम्हें। आपको क्या बताती सर, आप ऑलरेडी इतना परेशान, दादा और रागिनी दी को लेकर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, आपको और परेशान नहीं करना चाहता। ओहो आनिया, डोंट बी सिली, ये भी मेरी जिंदगी का हिस्सा है, इतनी बड़ी बात तुम्हें मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। सो आई थिंक आप सही कह रहे थे। सो आई थिंक हमें लंदन शिफ्ट हो जाना चाहिए। आरव जिस तरह का बिहेव कर रहा है मुझे बहुत डर लग रहा है सर, ये मेरे बच्चे और मेरे लिए बहुत रिस्की हो सकता है। मुझे लगता है लंदन शिफ्ट होना ही बेस्ट आइडिया है। पागलपन वाली बातें मत करो, इतना आसान है क्या लंदन चले जाना कि बस सामान उठाया, बोरिया बिस्तर बांधो और निकल गए यहाँ से? ऐसे नहीं होता है आन्या, और खासकर इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे सबसे पहले इस आरव नाम की गुत्थी को सुलझाना होगा, उसके बाद ही मैं कुछ और सोचूंगा। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद आरव से निपटता हूँ। हम हमेशा एक दूसरे के साथ कैसे आ जाते हैं? बस करो ये सब, बहुत हुआ।